हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सत्यजीत जैना है, मैं 12 साल का हूँ और मेरा स्कूल का नाम है विवेकानंद शिक्षा केंद्र टूरा और मैं आंधापुर केंदुझर ओडिशा से आया हूँ। क्या बात है सत्यजीत, कितना प्यारा नाम है, किसने रखा है? मेरे पापा ने रखा है। पापा ने रखा है, पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा का एक ऑर्केस्ट्रा बैंड है। ओह वाओ सर, आप म्यूजिशियन है? मैं थोड़ा थोड़ा सीखा नहीं, थोड़ा थोड़ा हारमोनियम कीबोर्ड बजा लेता हूँ। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चलिए तो फिर सुन लेते हैं। नर्वस तो नहीं हो ना? नहीं। वेरी गुड। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मुझे लगता है दिस काइंड ऑफ सिंगर्स हमको घर पे बिठाने वाले हैं। बहुत जल्दी। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है। मैं बोलूंगी सबसे पहले। बोलिए बोलिए बोलिए। वाओ आई एम सो एक्साइटेड। तो ये गाना मेरे भाई टोनी कक्कर ने बनाया है, उनका ही म्यूजिक है, उन्हीं का ही लिरिक्स है। आपने वो गाया, मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हुई। जब आपने शुरू किया ना तो मुझे लगा हाय ये प्लीज अच्छा गा दे, मेरी लाज रख ले, टोनी भाई की लाज रख ले। बट सच बताऊं आपने हम दोनों से ज्यादा अच्छा गा दिया यार। थैंक यू सो मच। कितना खूबसूरत। थैंक यू। मेरी तरफ से ऑफ कोर्स हा, बहुत बड़ा हाय। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप उम्मीद लेकर आज सारे का मापा लिल जैम्स के इस मंच पर आए हैं? मैं बताऊंगा, ये इतने बड़े बड़े गुणीजनों के सामने तो कुछ बात नहीं निकल रहा है मेरा। नहीं कोई बात नहीं सर। मेरा एक खुद का म्यूजिकल बैंड है। प्रोग्राम तो मिलता है हर महीने, 15,000-20,000 रुपया मिलता है मुझे, लेकिन इज्जत नहीं मिलता। जब स्टेज खत्म होता है तो लोग बोलते हैं कि बैग उठाओ चले जाओ जल्दी से, और कोई इज्जत नहीं मिलता।
मेरा बेटा और बेटी दोनों ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाना गाते हैं, स्टेज में परफॉर्म करते हैं, मुझे बहुत आनंद मिलता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि बेटा और बेटी दोनों मिलकर कमाते हैं और माँ और बाप मिलकर घर में खाते हैं। मैं उसको ऑर्केस्ट्रा में गाना गवा रहा हूँ क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका स्टेज का डर छुड़े। सत्यजीत के पापा की बहुत बड़ी इच्छा थी वो सिंगर बने, उसको ज्यादा लोग जाने। मेरा सपना सपना ही रह गया, वो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा सत्यजीत मेरा वो ड्रीम को पूरा करेगा। हमारे जो ऑर्केस्ट्रा वालों को इज्जत नहीं मिलता वो जरूर सत्यजीत दिलाएगा। क्या बात है सर, सर आपका बेटा जरूर आपका नाम रोशन करेगा और जो भी आप बात बता रहे हैं ना आपकी वो सारी मन्नतें पूरी होंगी। आपके बेटे के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही होनहार है बेटा। मुझे लगता है कि एक सिंगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक गाने को पहले अपना बनाकर गाना, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गाना परफेक्ट टेक्निकली हर चीज भी गा लो, लेकिन वो जब तक उसका वो इमोशनल कनेक्ट उस गाने के साथ तुम्हारा अपने बॉडी अपने रूह से नहीं जुड़ेगा वो बात बनती नहीं है। अदरवाइज बड़े बड़े तुर्रम खान सिंगर आके चले गए तो वो